नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल समथिंग अबाउट रेलवेज में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है साउथ वेस्टर्न रेलवे से, हुबली जोन से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि है थर्ड वेटिंग लिस्ट क्लियर। आज एक नोटिफिकेशन आया है 16 अगस्त, आज एक नोटिफिकेशन आया है हुबली के साइट पे कि थर्ड वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है PWD यानी कि जो कि नॉर्मल पर्सन है उनके लिए, और सेकेंड लिस्ट जिनका जो नन PWD में जो दिव्यांगजन है उनका आज सेकेंड लिस्ट क्लियर हुआ है। उनमें कितने कितने कैंडिडेट्स का नाम है, क्या कौन कौन से कैंडिडेट्स का नाम है और कितने कैंडिडेट्स उसमें लिया गया है। इससे पहले सेकेंड लिस्ट निकाला गया था जिसमें 52 कैंडिडेट्स को मौका दिया गया रेलवे को सर्व करने के लिए, और अब थर्ड लिस्ट क्लियर कर दिया गया है और देखते हैं उसमें, आपको साइट पर लेकर चलते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं डायरेक्ट क्रोम पर। यहाँ पे हम खोलेंगे, देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे का है यहाँ पे, और ये देखिए दोस्तों थर्ड लिस्ट ऊपर में ही आपको दिख रहा है इम्पॉर्टेंट नोटिस के बाद, ये थर्ड लिस्ट पहला नोटिफिकेशन आज का। डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड हो गया और अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जूम करते हैं यहाँ पे, ये पे देखिए, यहाँ पे 16 अगस्त 2021 आज ही का बिल्कुल बिग अपडेट है। और इधर देखिए आप सब्जेक्ट पर फोकस करिए, यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे तो थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नन PWD यानी कि नॉर्मल पर्सन के लिए ये थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी थर्ड लिस्ट है, और सेकेंड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर PWD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली जोन। और अब आपको अपडेट दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप नाम दिख ही रहा है आपको, ये पूरा नाम है और भी है नाम, आपको दिखाते हैं पीछे नीचे, ये देखिए टोटल ट्वेंटी सेवन है जो कि नॉर्मल पर्सन है यानी नन PWD का 21%। पिछले बार 52% कैंडिडेट्स नन PWD से ही थे, नॉर्मल पर्सन थे, इस बार 27 क्लियर हुआ है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं जो कि PWD से है यानी कि जो दिव्यांगजन है हमारे, वो टोटल 38 क्लियर हुआ है उनका। देख लीजिए आप लोग नाम यहाँ पे देख सकते हैं, और भी आपको इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें नोटिस में आपको बताएंगे अभी। तो ये जिनका जिनका भी नाम अगर हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों से जो भी सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, और उनको थोड़ा हेल्प करेंगे कुछ भी अगर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल में दिक्कत आती है तो। और देखिए दोस्तों, क्या इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है इस नोटिस में। देखिए यहाँ पे इस लाइन पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो 15 और 16 सितंबर ये दो डेट रखा गया है, 15 सितंबर और 16 सितंबर DB और मेडिकल के लिए। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए, ये नन PWD यानी नॉर्मल पर्सन के लिए 15 सितंबर को DB डेट दिया गया है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे PWD यानी कि दिव्यांगजन के लिए 16 सितंबर को DB डेट दिया गया है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देखते हैं, और देखिए ये अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड इकॉल लेटर, यानी कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो अपना इकॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट www.rrchubli.in से कर सकते हैं डाउनलोड। और एक चीज़ और लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ये वाला लाइन पे देखिए, सेपरेट कॉल लेटर विल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्ट, यानी कि पोस्ट से आपको नहीं आएगी लेटर, आपको बस डाउनलोड करके ही जाना पड़ेगा यही लेकर जो कि वेबसाइट में दिया गया है, हुबली के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में। और दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट ये दो चीज़ होगा, फिजिकल नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिनका जिनका भी हुआ हो या फिर जो भी वेटिंग कर रहे हो फोर्थ लिस्ट के लिए, वो भी कमेंट करें। और दोस्तों आज NTPC का भी ये निकल गया आंसर की, तो दोस्तों NTPC में किनका किनका कितना नंबर आ रहा है और किस जोन से भरे हैं वो भी रिप्लाई, वो भी कमेंट करें, हम उनको अगर
कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, अगर मुझे नॉलेज में रहा कि इनका इस जोन से, इस कैटेगरी से है, तो अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय।